हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीनट्स और ब्रेड के, देखिए क्रिस्पी बड़ा बनाना एकदम आसान तरीके से आज हम सीखेंगे और अपनी जो सीक्रेट रेसिपी उसे हम शेयर करेंगे आपसे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, चार पीस ब्रेड लेके ऐसे कट कर लेंगे, चारों तरफ से जो उसके ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं उसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, ये कट कर लिया हम। उसके बाद फिर तीन पार्ट्स में उसे अलग अलग कर देंगे, उसके छोटे छोटे पीसेस कर देंगे कटिंग करके ब्रेड। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको देखिए पूरा बढ़िया से अच्छे से देखिए, अब कट गया सारे पीसे। अब उसे हम बॉल में भर के अब उसके एक कप अब चावल के आटा डालेंगे, पीनट्स डालेंगे, इसके बाद फिर दही डालेंगे एक कप, इसके बाद एक चॉपर ओनियन डालेंगे, इसके बाद ग्रीन चिली डालेंगे, इसके बाद हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे और धनिया डाल देंगे। फिर इसके हम अच्छे से उसके साल्ट थोड़ा सा डालेंगे, अपना मेकिंग पाउडर जो होता है वो, और नमक डाल देंगे, फिर मिर्ची पाउडर भी डाल देंगे और जीरा। जीरा डालने के बाद उसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से, बढ़िया से हाथों से करेंगे जना अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर आपको ऐसा ना हो बड़ा बनाने में वो कहीं कहीं आप जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं मिक्स नहीं होने तो बड़ा अपना टूटते हैं उससे। अब उसको हम क्या करें, थोड़े से हाथों में तेल लगा लेंगे, ऑयल अपने हाथ में जितना गोले बनाने में इतना आसानी हो। देखिए छोटे साइज में अपने बॉल बना लिया, उसके बाद आप छोटी फिंगर या कोई भी फिंगर आप लेके उसमें गोल कर सकते हैं, उससे क्या होता है आपका अच्छे से पकेगा। अब ये देखिए हमने फिर से आपके सामने बना बना के ये रखा। अब मैं क्या करूँगा, एक पेन में एक थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, ऑयल की मात्रा ज़्यादा रहेगा, पेन में ऑयल गर्म करने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम बड़ा बनाते रहेंगे। अब देखिए उसमें हम इनसाइड कर दिया, डाल दिया उसमें। अब धीरे 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 लो फ्लेम पे हम मीडियम फ्लेम पे उसे हम पकाएंगे, थोड़ा हम मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम भी रख सकते हैं, ज़्यादा हाई रखेंगे तो जलने लगेगा, तो मीडियम फ्लेम पे पकाइए थे। अब जब उधर दो एक मिनट पर जाए फ्राई में, फिर उसके बाद हम टर्न आउट कर लेंगे उसे। देखिए हमने इसका टर्न आउट कर लिया। अब वो सेकेंड साइड का पकाएंगे, अब उसे गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाने तक पकाएंगे। उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, उसे निकाल लेंगे, किसी प्लेट में रख लेंगे उसे। ये देखिए आपके सामने पूरा दोनों जैसे पक चुका है ये आपका बड़ा। अब इसे हम क्या करेंगे, ये अब देखिए अब इसका थोड़ा सा डेकोरेशन करके आप किसी भी मतलब चटनी से, सॉस से, किसी या हरी चटनी से, किसी भी चिली सॉस से, किसी से भी आप खाएं बहुत टेस्टी लगता है, आप मज़ा आ जाएगा। एक स्नैक्स टाइप में अगर खाना होता है।